बी एंड बी एस सी पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे हैं विश्व की जनजातियों का, और विश्व की जनजातियों में आज अपन अध्ययन करेंगे अरब के बंधु। अरब के जो बंधु हैं वो विश्व की प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती है, और जनजातियों के अंतर्गत इनकी बात करें तो ये वाली जनजाति मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करती है। मरुस्थलीय क्षेत्र की अगर अपनी बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में विशेषता ये पाई जाती है तापमान अधिक होता है और वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अतः ये वाले लोग वहां पे केवल पशु चारण का व्यवसाय करते हैं, और पशु चारण व्यवसाय करने के कारण से इसको पशु चारक जनजाति कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में ये इनका मुख्य जो पशु है ये लोग उनको ही पालते हैं, ऊंट के साथ में ये लोग भेड़ बकरी को भी पालते हैं। यहाँ पर ऊंट को प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, जिस व्यक्ति के पास में जितने ऊंट पाए जाते हैं प्रतिष्ठा के तौर पर उसे उतना ही धनवान माना जाता है। ये वाले एक सामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और सामाजिक प्रवृत्ति के लोग होने के कारण से ये लोग एक गोत्र के रूप में निवास करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन बंधु जनजाति के निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र की बात करें अर्थात ये लोग कहां पर निवास करते हैं, तो ये वाले लोग अरब प्रायद्वीप में निवास करते हैं। बंधु जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्र की बात करें तो ये वाले लोग कहां पर निवास करते हैं, अरब प्रायद्वीप में निवास करते हैं। और अरब प्रायद्वीप के अध्ययन करें तो मुख्य दो मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, कौन कौन से हैं, हमद तथा नेफद। मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करते हैं ये दो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, और यहां पर बंधु जनजाति के लोग निवास करते हैं। अर्थात ये वाले लोग कहां पर निवास करते हैं, सीरिया से लेकर दक्षिण में अरब मरुस्थल तक निवास करते हैं। बंधु जनजाति के लोग जो कि कहां पर निवास करते हैं, अरब प्रायद्वीप में निवास करते हैं, और अरब प्रायद्वीप में दो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, हमद है और नेपद है, इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। अर्थात ये वाले लोग सीरिया से लेकर दक्षिण में कहां निवास करते हैं, अरब मरुस्थलीय क्षेत्र तक निवास करते हैं। अब इस क्षेत्र का अध्ययन करें तो यहां पर छोटी छोटी घास पाई जाती है। वनस्पति जो पाई जाती है वो कटीली झाड़ियां पाई जाती है, बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है, लेकिन छोटी छोटी घास पाई जाती है। पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां होती है वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जड़ी लंबी पाई जाती है, जो कि कौन सी वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, मरुद्भिद के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर तापमान का अध्ययन करें तो ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान कितना पहुंच जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान तो 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, लेकिन जनवरी माह में शीत ऋतु का जो तापमान है वो माइनस से भी नीचे पहुंच जाता है। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ती है, और शीत ऋतु का अध्ययन करें तो वहां पर भयंकर ठंड पड़ती है। मरुस्थलीय क्षेत्र का अध्ययन करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र की एक विशेषता और पाई जाती है, यहां पर दिन में भयंकर गर्मी पड़ती है, रात में भयंकर ठंड पड़ती है। दिन अत्यंत गर्म होते हैं, रात क्या होती है, ठंडी होती है, अर्थात तापांतर क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं शारीरिक लक्षण। बंधु जनजाति के शारीरिक लक्षणों की बात करें तो ये मध्यम लंबाई के होते हैं। लंबाई कैसी होती है, मध्यम लंबाई के होते हैं, अर्थात इनकी लंबाई कितनी होती है, 160 से लेकर 167 सेंटीमीटर होती है।
लंबाई कितनी होती है 160 से लेके 167 सेंटीमीटर पाई जाती है। इसको कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? मध्यम लंबाई की श्रेणी में रखा जाता है। चेहरा कैसा होता है? चेहरा इनका सपाट होता है तथा छोटा पाया जाता है। लंबाई तो मध्यम होगी, चेहरा कैसा होगा? सपाट होता है, छोटा होता है। नेत्र और बाल, नेत्र भी काले होते हैं और बाल भी कैसे होते हैं? काले होते हैं। त्वचा का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। गालों की हड्डियां उभरी हुई पाई जाती है। ये सारे के सारे लक्षणों की बात करें, नाक मोटी पाई जाती है, ये सारे के सारे लक्षण हैं वो कोकेसस प्रजाति से मिलते जुलते होते हैं। अतः इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? कोकेसस प्रजाति से मानी जाती है। बद्धू जनजाति के लोगों के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करें तो इनकी लंबाई मध्यम होती है, अर्थात 160 से 167 सेंटीमीटर होती है। इनका चेहरा कैसा होता है? सपाट होता है और छोटा होता है। नेत्र कैसे होते हैं? काले होते हैं। बाल भी कैसे पाए जाते हैं? काले पाए जाते हैं। इनकी त्वचा का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। गालों की हड्डियां उभरी हुई होती है और नाक कैसी होती है? मोटी होती है। ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं वो कोकेसस प्रजाति से मिलते जुलते होने के कारण से बद्धू जनजाति की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? कोकेसस प्रजाति से मानी जाती है। अब अभी अपन बात करते हैं पशुपालन। तीसरा जो पॉइंट आता है बद्धू जनजाति के लोगों की बात करें तो पशुपालन या पशुचारण इनका मुख्य व्यवसाय है। कौन सा है? पशुपालन या पशुचारण इनका मुख्य व्यवसाय है। और ये वाले लोग चलवासी पशुचारण करते हैं। चलवासी पशुचारण का मतलब होता है चारे या पानी की तलाश में ये अपने पशुओं को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। कौन सा जीवन व्यतीत करते हैं? चलवासी पशुचारण जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात चारे या पानी की तलाश में अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। अब ये वाले लोग भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़े पालते हैं। ऊंट इनका मुख्य पशु है। भेड़ भी पालते हैं, बकरी भी पालते हैं, ऊंट भी पालते हैं और घोड़े और खच्चर भी पालते हैं। अब जिस व्यक्ति के पास जो लोग ऊंट पालते हैं उनको रुवाला कहा जाता है। ऊंट पालने वाली जो जनजाति है उसको क्या कहा जाता है? रुवाला कहा जाता है। और ये वाले सामाजिक रूप से अपने आप को उच्च मानते हैं। जिसके पास में जितने ऊंट होते हैं वो समाज में प्रतिष्ठा का सूचक होता है, उसको समाज में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो ये वाले लोग भेड़ भी पालते हैं, बकरी भी पालते हैं, ऊंट भी पालते हैं, घोड़े भी पालते हैं और खच्चर भी पाले जाते हैं। रुवाला जनजाति है वो क्या पालती है? ऊंट पालते हैं और ऊंट इनकी प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। ये वाले ऊंट का प्रयोग, ऊंट और जो घोड़े होते हैं इनका प्रयोग सवारी के लिए भी करते हैं। और ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। क्योंकि ये वाले लोग कहां पर निवास करते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करने के कारण से ये सर्वाधिक ऊंट को ही पालते हैं, जो कि इनको सवारी के रूप में भी और युद्ध हेतु भी काम में लिया जाता है। इसको पानी की आवश्यकता भी कम होती है और कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है, क्योंकि इसकी कूबड़ में पानी का क्या हो जाता है? संचय हो जाता है। अब बात करें अपन मौसमी प्रभाव। बद्धू जनजाति के लोग मौसमी प्रवास करते हैं। मौसमी प्रवास का मतलब होता है ये लोग मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में वैसे तो वर्षा की मात्रा कम होती है,
लेकिन ये वाले लोग जिन क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है, जहां पर घास उग जाती है, उन क्षेत्रों में चले जाते हैं। और जैसे अपने क्षेत्र में वापस घास उग जाती है, ये वाले लोग वापस आ जाते हैं। अर्थात स्पष्ट क्या हो रहा है, चारे या पानी की तलाश में ये लोग अपनी पशुओं को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर चराते हैं। इसी कारण से इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, चलवासी पशुचारण कहा जाता है। चारे या पानी की तलाश में ये लोग अपने पशुओं को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर चराते हैं, और इसी कारण से क्या करते हैं, ये लोग मौसमी प्रवास करते हैं। इनमें क्या होता है, मौसमी प्रवास करते हैं तो इनके परिवार का भी मुखिया होता है। इस परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है, सेठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेठ कहा जाता है। और जब ये वाले लोग मौसमी प्रवास करेंगे और वहां पे बस्ती का निर्माण करते हैं, तो बीच वाले स्थान पे जो मकान बनता है या तंबू बनता है, वो किसका बनता है, सेठ का बनता है। और उस सेठ के तंबू के चारों ओर ये लोग क्या करते हैं, अपने आवास का निर्माण कर लेते हैं। तो इनमें परिवार के मुखिया को सेठ कहा जाता है, और सेठ के मकान के चारों ओर ये वाले लोग अपने मकानों का या आवास का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके बाद में अपनी बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था। बद्दू जनजाति के जो लोगों की अर्थव्यवस्था है वो पशुओं पर आधारित होती है। अर्थात इन लोगों का जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है, पशु पालन या पशु चारण होता है। ये वाले लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और पशुओं को चराते रहते हैं। अतः इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, पशु चारण पर आधारित होती है। ये पशुओं से जो प्राप्त उत्पाद है, पशुओं से इनको जो भी सामग्री उपलब्ध होती है, उस सामग्री के बदले यानी क्या करते हैं, वस्तु विनिमय करते हैं। वस्तुओं का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। और आदान प्रदान किस प्रकार करते हैं, जैसे इनके पास में कोई वस्तु है तो इनके पास कौन सी वस्तु होगी, पशुओं से प्राप्त वस्तु होगी। जैसे ऊंट है, ऊंट का दूध प्राप्त करते हैं ऊंटनी के द्वारा, उससे मक्खन का निर्माण करते हैं, पनीर का निर्माण करते हैं, और उसको बाजार में बेच दिया जाता है। उसके बदले ये अपने अनाज की आवश्यकता या अन्य वस्तुओं की आवश्यकता की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो इनमें कौन सी प्रथा पाई जाती है, वस्तु विनिमय की प्रथा पाई जाती है। इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है, इस अर्थव्यवस्था का सूत्र क्या होता है, मूल्य होता है। इन लोगों की जो अर्थव्यवस्था है उसका सूत्र किसको माना जाता है, ऊंट को माना जाता है। अगर कोई धनी या धनवान व्यक्ति है उसके पास में 100 से अधिक ऊंट पाए जाते हैं, और गरीब व्यक्ति के पास में तो और भी क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। तो जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनके पास में कितने ऊंट पाए जाते हैं, 100 ऊंट पाए जाते हैं, और गरीब व्यक्ति के पास में क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। ये लोग वैसे तो निम्न श्रेणी का कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं, निम्न श्रेणी का कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं, खजूर हुआ, मक्का, जौ हुआ, खरबूजा और सब्जियों की कृषि करते हैं। वैसे तो ये लोग क्या करते हैं, पशुचारण का ही कार्य करते हैं, लेकिन खजूर हुआ, मक्का, जो खरबूजा और सब्जियों की कृषि भी की जाती है। इसके बाद में बात आती है भोजन। भोजन की बात करें तो ये वाले लोग क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। वैसे तो इनका जो मुख्य भोजन होता है वो ऊंटनी का दूध ही होता है। अर्थात ये वाले दूध को ही अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। वैसे कच्चे दूध का प्रयोग करते हैं, लेकिन दूध के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं होती हैं उनका ये लोग अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे पनीर का निर्माण कर लिया, छाछ का निर्माण कर लिया, दही का निर्माण कर लिया, उनका सेवन करते हैं।
ये अपना जो भी भोजन होता है, जैसे जो की रोटी भी खाते हैं, मक्के की रोटी भी खाते हैं, सब्जियों का प्रयोग भी करते हैं, तो इन सबको ये क्या करते हैं, ऊंटनी के उबाले हुए दूध में यानी अपने भोजन को पकाते हैं। अर्थात भोजन पानी में नहीं पकाया जाता है, भोजन को किस में पकाते हैं, दूध में भोजन को पकाया जाता है। ये वाले लोग अतिथि प्रेमी होते हैं। अतिथि प्रेमी का मतलब होता है ये लोग अतिथियों का सत्कार क्या करते हैं, अधिक करते हैं, सबसे अधिक अतिथियों का सत्कार किया जाता है। पर ये वाले लोग अतिथि का जो सत्कार करते हैं वो किस चीज से करते हैं, कॉफी से करते हैं। ये खुद भी कॉफी अधिक पीते हैं और अतिथियों का सत्कार भी किससे करते हैं, कॉफी से ही करते हैं। तो भोजन के रूप में वैसे तो ऊंटनी के दूध का प्रयोग करते हैं और भोजन को किसमें पकाते हैं, दूध में ही पकाते हैं। इसके अलावा खाद्यान्नों का प्रयोग भी करते हैं, कॉफी अधिक पीते हैं, अतिथियों का सत्कार भी किसके द्वारा किया जाता है, कॉफी के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में बात आती है वस्त्र तथा आभूषण। वस्त्रों की बात करें या आभूषण की बात करें तो बद्दू जनजाति के लोग हैं वो कहां निवास करते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करने के कारण से वहां पे गर्मी अधिक पड़ती है, अतः ये वाले लोग ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं। बद्दू जनजाति के लोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करने के कारण से ये लोग ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं। और कैसे वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं। तो इन लोगों में ये क्या करते हैं, रात्रि ठंड से बचने के लिए भेड़ के जो चमड़े की ऊन होती है, भेड़ का जो चमड़ा होता है या फिर उसकी जो ऊन होती है उससे कोट बना के फिर बाद में क्या पहनते हैं, कोट भी पहने जाते हैं। धूप से बचते हैं तो ये क्या करते हैं, सिर पे टोपी भी लगाते हैं और सिर पर क्या करते हैं, पगड़ी भी बांधते हैं, सिर पे टोपी भी लगाते हैं। वस्त्र तो सूती वस्त्र पहनते हैं और ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं, लेकिन सिर पर टोपी भी लगाते हैं और साफा भी बांधते हैं। इसके बाद में बात करें अपन आवास। बद्दू जनजाति के लोगों का कोई स्थायी आवास नहीं होता है। स्थायी आवास क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये वाले लोग चलवासी पशुचारण जीवन व्यतीत करते हैं। अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और उनको चराते रहते हैं। अर्थात कौन सा जीवन व्यतीत करते हैं, चलवासी पशुचारण जीवन व्यतीत करते हैं। अतः ये वाले लोग किसमें निवास करते हैं, तंबू में निवास करते हैं। और तंबू किसका बनाया जाता है, खाल का बनाया जाता है। मुखिया के आदेश के अनुसार ये लोग डेरा डालते हैं और वहां पे बीच वाले स्थान पे, मुखिया कौन होगा, सेक होता है, और बीच वाले स्थान पे तो किसका आवास होता है, मुखिया का आवास होता है। और उस आवास के चारों ओर ये लोग क्या कर लेते हैं, अपने आवास का निर्माण कर लेते हैं। तो ये वाले लोग किसमें निवास करते हैं, तंबू में निवास करते हैं। अब तंबू का जो भी सामान होता है वो पशुओं की पीठ पे, पशु या तो हो खच्चर होगा या घोड़ा होगा या ऊंट होगा, और उसकी पीठ पे लाद के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलवासी जीवन व्यतीत करते रहते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सामाजिक संगठन। बद्दू जनजाति के लोगों का सामाजिक संगठन की बात करें तो ये वाले लोग पितृ सत्तात्मक समाज में निवास करते हैं। पितृ सत्तात्मक का मतलब होता है परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, पिता ही होता है। बद्दू जनजाति के लोग पितृ सत्तात्मक समाज में निवास करते हैं और परिवार का मुखिया कौन होता है, पिता ही होता है। तीन चार कौन सा समाज हुए, तीन चार पीढ़ी के लोग एक ही साथ निवास करते हैं, अलग नहीं होते हैं। और इनमें रक्त समूह से संबंधित लोग एक गोत्र के होते हैं। अर्थात इनमें कौन सी प्रथा पाई जाती है, गोत्र प्रथा पाई जाती है। एक ही रक्त समूह के जितने भी लोग होते हैं उनको एक ही गोत्र में माना जाता है। इन लोगों में
बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक वधू कम से कम तीन या चार शादी कर सकता है, पत्नियां रख सकता है। तो इनमें कौन सी प्रथा पाई जाती है? बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। इनमें जो गोत्र होता है उसको सामूहिक रूप से अनाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाजा कहा जाता है, जो कि सम्मिलित पूरा का पूरा एक ही क्या होता है? ग्रुप होता है। ये वाले लोग क्या करते हैं? अपनी सगी बहन को छोड़कर किसी से भी विवाह कर सकते हैं। ये कौन से धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म को माना जाता है। अतः ये वाले लोग क्या करते हैं? अपनी सगी बहन को छोड़कर किसी से भी क्या कर सकते हैं? विवाह कर सकते हैं। इनमें दास प्रथा भी पाई जाती है। ये अपने पशुओं को चराने हेतु और अपनी सेवा करने हेतु क्या रखते हैं? दास भी रखते हैं। और इनके जो दास होते हैं वो हमेशा इनकी सेवा करने के लिए क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं? तैयार होते हैं। ये वीर भी होते हैं और योद्धा भी होते हैं। युद्ध कौशल क्षमता भी इनमें क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ईमानदार भी होते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं और चोरी करने को या लूटपाट को पाप मानते हैं। ये लोग कभी भी चोरी नहीं करते हैं, लूटपाट को क्या माना जाता है? पाप माना जाता है। अतिथि प्रेमी भी अधिक होते हैं, अतिथियों का सत्कार क्या करते हैं? अधिक करते हैं। और वर्तमान का अध्ययन करेंगे तो ये वाले लोग नगरीय क्षेत्रों में जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में जाते हैं और वहां पर वर्तमान में क्या करने लगे? नौकरी भी करने लगे। तो ये तो थी अरब की बद्दू जनजाति, जो कि कहाँ निवास करती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करती है, जहां पे कठोर तापमान पाया जाता है। तापमान क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। और ये लोग पशुचारक जनजाति में आते हैं, क्या पालते हैं? ऊंट पालते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।